Hello everyone, welcome. We are doing, we have just started integration and this is just the second class, right? In this, this is one question where your answer does not match. So remember children, whenever you are dealing with indefinite integration, there can be more than one correct expressions. Okay? Ek se adhik expression allowed hain, accepted hain. Just that, aap kuch usme conceptual ya koi silly mistake na karo. Jaise agar main is question ko karunga, तो मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे कि 1 माइनस कॉस एक्स को आई वुड बी राइटिंग इट एज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिखूंगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है या हमने 2 से इसको कैंसिल करा एंड देन आई इजिली गेट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि क्या कोई भी ऐसा मेरे पास फंक्शन है क्या मेरे पास ऐसा कोई भी फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे टेन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो मुझे ऐसा तो याद नहीं आता राइट लेकिन हाँ मुझे ये याद आता है कि अगर मैं sec x को राइट sec x को नहीं tan x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं tan x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास sec स्क्वायर एक्स आएगा ये वाली बात तो मुझे ध्यान आती है तो यहाँ पे फिर ये लगता है क्यों ना मैं यहाँ पे फिर से ट्रिगोनोमेट्री यूज करूँ राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स दैट मींस टेन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज रिटन एज व्हाट सेक्स स्क्वायर थीटा थीटा इन दिस केस इज एक्स बाई टू माइनस वन दैट्स व्हाट शुड बी डन राइट तो अब मुझे पता है अच्छा इसको इंटीग्रेट करने पे टेन एक्स आना चाहिए ठीक है तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा टेन एक्स बाई टू और ध्यान रखना ये बात मैंने पहले भी बताई होगी कि अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई भी फंक्शन है राइट लेट्स से स्मॉल एफ एक्स जिसकी इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है ठीक है और अगर आपके पास यही वाला फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में आ गया लेट्स से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी divided by the coefficient of x which is a ठीक है so you must remember this substitution में अभी हम इसका proof भी कर लेंगे बहुत simple सा proof है जब substitution पे हम लोग आएंगे right there are three methods of dealing with good questions of integration substitution is one of them then you have partial fraction then you have by parts यही तीन चीजें होती हैं ठीक है सब्स्टिट्यूशन में हम इसको डिटेल में देख लेंगे समझ लेंगे अभी फिलहाल के लिए ये रिजल्ट तुम्हें जरूर से पता होना चाहिए अगर तुम्हें ये रिजल्ट पता है तो ये आंसर तो हो गया अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 डिवाइड बाय 1/2 करोगे तो क्या आएगा 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस 1 को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरे पास माइनस एक्स सो दिस शुड बी द आंसर राइट दिस शुड बी द फाइनल आंसर लेट मी नो इफ यू गेट इट So now that you got the same answer, but then you had a confusion, कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा तो ठीक है आंसर में क्या दे रखा है बेटा आंसर में ये दे रखा है ट्वाइस ऑफ cosec x माइनस cot x माइनस x प्लस सी और आपका क्या आंसर आया ट्वाइस ऑफ tan x by 2 माइनस x प्लस सी नाउ इन एनी एमसीक्यू पैटर्न टेस्ट अगर आप सब्जेक्टिव में ये कर रहे हो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट 0.5 मार्क्स इन दिस सोल्यूशन और अगर आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो और सपोज करो आपके पास आपने ये कैलकुलेट किया और ऑप्शन में ये नहीं है तो पता है मैं क्या सजेस्ट करता हूँ मैं ये सजेस्ट करता हूँ एक्स की कोई सी भी एक वैल्यू ले लो जिसके लिए तुम एक्सप्रेशन की वैल्यू जानते हो जैसे मैं यहाँ पे 60 डिग्री लेना चाहूंगा कितना लेना चाहूंगा 60 डिग्री या फिर आप कह सकते हो पाई बाई थ्री क्यों बिकॉज एक्स बाई टू है तो 30 डिग्री मुझे पहले से पता होगा ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या लेके स्टार्ट करूंगा आई विल अज्यूम एक्स इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री तो अगर ये मेरा करेक्ट है तो दोनों ही जगह पे सेम वैल्यू आनी चाहिए आओ करके देखते हैं सो मैंने ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा ना 60 का आधा इज 30 विच इज व्हाट 1/√3 ठीक है और हमने 60 डिग्री लिया एक्स यानी कि ये कितना हो गया मेरे पास 5/3 ठीक है दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई एम गेटिंग एट 5/3 प्लस सी कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ हालांकि माइनस एक्स भी दोनों में सेम ही था इट वॉज ओनली दिस पार्ट ऑफ द आंसर विच इज डिफरेंट तो वी जस्ट नीड टू चेक दैट तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी अब मेरे पास 60 डिग्री है साइन 60 डिग्री √3/2 होता है तो कोसेक कितना हो जाएगा 2/√3 होगा कि नहीं ठीक है 2/√3 होगा कि नहीं ओके माइनस करना है कॉट से तो कॉट अच्छा भाई 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री कितना होगा 1/√3 होगा समझ रहे हो कि नहीं बच्चों राइट और माइनस एक्स ये तो वही देगा जो हमारा पहले आ रखा है
अब यहाँ पे आप देखिए 2 - 1 / √3 / √3 क्या बना बेटा, 1 / √3 × 2, व्हाट इज दैट, 2 / √3। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन आ रही है, वेदर इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन और यू आर डीलिंग एट योर प्रैक्टिस, यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई और यू कैन ऑलवेज चेक कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही है बाय पुटिंग एनी वैल्यू जहाँ की इन्फिनाइट ना आ रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री ले लूँ तो भी गलत हो जाएगा, अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज हालांकि ठीक है 90 पे हमारा cot भी जीरो हो जाएगा और tan यहाँ पे 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल तुम्हें ऐसी वैल्यूज अवॉइड करनी है जहाँ की जीरो या इन्फिनिटी आ रहा हो, वैल्यू लेते हुए ये ध्यान देना है। सो आई होप यू गेट इट, ओके, लेट मी नो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we start with the first concept of integration. Whatever we have done till now was actually kind of base formation in the topic of integration. पहले दो exercise ना बिल्कुल base formation है, यहाँ से थोड़ा सा कुछ start हो रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे things would certainly get much better. Okay? So step by step चलना है, हर चीज को importance देते हुए चलना है, कहीं कुछ चीजें आसान लगेंगी आपको, कुछ चीजें difficult लगेंगी, जो आसान लगे उसको भी प्रैक्टिस करना है, जो डिफिकल्ट लगे उसमें ज्यादा डिस्कशंस करनी है, ठीक है। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, देखो अगर हमारे पास कभी भी कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसके बारे में हमें मालूम है, राइट, जैसे सपोज करो हमारे पास इन्होंने बोला कि एक्स क्यूब डी एक्स ये कितना होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, x की पावर n हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 4 / n + 1 + c, ये तो बहुत इजी है। बट कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, सपोज करो आपके पास आ गया 3x + 5 raised to the power 3। नाउ अब क्या करें, एक तरीका तो ये है कि मैं इस क्यूब को ओपन करूं यूजिंग a + b whole cube, राइट, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। बट इमेजिन यहाँ 3 की जगह अगर 9 आ जाए तो तब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, है ना, बाइनोमियल थ्योरम से तुम उसको भी ओपन कर सकते हो, बट देन व्हाई वुड यू वेस्ट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, राइट, मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको कि कभी भी, राइट, अभी ये मैं इसको आपको प्रूव करके देता हूँ, राइट, लेट मी प्रूव इट हियर। तो कभी भी अगर इस तरह के मैंने रिजल्ट क्या दिया था, पहले वो लिख देता हूँ और फिर उसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको रिजल्ट ये दिया था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन लेट्स से कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन किसी और फॉर्म में ax + b इस तरीके से कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आता है, ax + b के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो इन दिस केस जो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट, सो इट रिमेन्स f ऑफ ax + b एंड इट इज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज a, ठीक है, प्लस c। इस तरीके से हम लोग हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। अब बात आती है सर ये कैसे होता है आप ये बताओ, तो चलो देखते हैं, लेट्स गो फॉर इट। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास ये जो मैंने फंक्शन लिखा है अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे t कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं बोल दूं कि f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt तो क्या इसकी इंटीग्रेशन अब कैपिटल f ऑफ t हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, ठीक है, हम सब जगह पे x को t से रिप्लेस करते हैं, फंक्शंस के इतने बेसिक तो हमें पता ही, ओके, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, राइट, ध्यान से देखना, मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको आपके लिए प्रूव कर रहा हूँ और फिर सिंपली इसी रिजल्ट को यूज करके तुम स्ट्रेट अवे इसका आंसर अभी भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ, चलो पहले आंसर लिख जाते हैं, कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 3x + 5 9 + 1 10 / 10 / a, व्हाट इज a इन दिस केस, इट इज 3 + c, ठीक है, सो व्हाट वुड यू राइट एज द आंसर, दिस हैज टू बी 3x + 5 raised to the power 10 / 30 + c, ठीक है। तो बड़े आसानी से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है बात कि सर इसको जरा प्रूफ भी कर लेते हैं, तो बहुत इजी है, देखो प्रूफ करते हैं, लेट्स से इसके LHS से स्टार्ट कर लो, तुम्हें पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होती है, दिस इज नोन टू यू, ओके, एंड देन यू आर स्टार्टिंग विद द LHS। तो आप क्या करते हो, आप इस ax + b को t लेते हो, चलेगा, ax + b को आपने क्या लिया, t लिया, तो बताओ dt/dx क्या हो जाएगा, व्हाट इज dt/dx, इज दैट इक्वल टू a, यस, कभी भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ना पूरा ही सब्स्टिट्यूट करो, रिमूव ऑल द पॉसिबल x, x, dx सब कुछ हटाओ, एवरीथिंग शुड कन्वर्ट टू व्हाट, t,
हर चीज को टीम में लेके आना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अच्छा भाई डीएक्स को क्या करें, तो डीएक्स को इधर लेके आया मैं, तो मैंने देखा अच्छा डी टी अपॉन ए शुड बी सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ डीएक्स। ओके ओके वंडरफुल। अब मैं देखता हूँ मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, मेरे पास एक्सप्रेशन था स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स एज पर आर सब्सटीट्यूशन। मैंने ए एक्स प्लस बी को क्या लिया, टी लिया, तो ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ टी, और डीएक्स की जगह पे कितना है डी टी अपॉन ए। डोंट फॉरगेट ए इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट, यू कैन कीप इट आउटसाइड राइट। अ कॉन्स्टेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द डिफरेंशिएशन रिजल्ट और द इंटीग्रेशन रिजल्ट और द लिमिट रिजल्ट। कॉन्स्टेंट को तो आप सिंपली बाहर रखो, चाहे ऊपर है या नीचे है, कीप इट आउटसाइड। ओके अब बात आती है एफ ऑफ टी डी टी, तो ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान है राइट। ये कितना है भाई, ये तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ टी हो जाएगा राइट। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, कैपिटल एफ ऑफ टी अपॉन ए प्लस सी। नाउ डोंट फॉरगेट टू पुट इट बैक, टी वॉज योर सब्स्टिट्यूशन, दैट वॉज योर आइडिया, यू हैव टू गेट इट बैक टू द ओरिजिनल थिंग। सो व्हाट इज टी ए एक्स प्लस बी, दैट्स योर सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट स्टार्ट्स हियर राइट एंड इट गोज मच बियॉन्ड। ओके इससे काफी आगे हमें जाना है। तो आई होप ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, और इस पे बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको थर्ड एक्सरसाइज में यहाँ मिलने जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड मिलने जा रहे हैं राइट, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब चलो देखते हैं, लेट अस क्विकली मूव टू द क्वेश्चंस। 19.3 राइट, वो न्यू एडिशन में अभी 18.3 हो गई है, तो आइए चलो करके देखते हैं इसे। लेट्स से रैंडमली मैं ये थर्ड क्वेश्चन पिक करता हूँ, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करना है राइट, क्या करूँ मैं, सबसे पहले इसको आपके लिए रीराइट कर देता हूँ, यानी कि 2 - 3x, इसकी पार ना मैं -1 बोलता हूँ, चलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल नहीं है जैसा इंटीग्रेशन में होता था, डिफरेंशिएशन में होता था, ठीक है। और यहाँ मैंने dx रखा, फिर बीच में प्लस साइन है, कोई चक्कर नहीं। ये कितना है 3x - 2, अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं इसकी पार -1/2 कह दूँ क्या, कह देता हूँ, ठीक है। दो इंटीग्रेशन थे एडिशन में, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम अलग अलग रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को नहीं, ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम इस तरीके से रख कर सकते हैं। ओके मल्टीप्लिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड बाय पार्ट्स, ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा अब ये क्या, ये कौन सा फॉर्म है, ये तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ एक्स की पार एन का फॉर्म दिख रहा है आपको राइट, एक्स की पार एन का फॉर्म दिख रहा है डीएक्स राइट। क्या होता है ये, एक्स की पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बट ये तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ पे n क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, अगर मेंशन होता है तो क्या बन जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, dx upon x क्या हो जाता है, log of x हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पीछे सीखी हैं, बस उसको यूज करनी है, अप्लाई करनी है, दैट्स ऑल। तो चलो देखते हैं, तो ये -1 है तो क्वाइट ऑब्वियस क्या होगा, लॉग हो जाएगा राइट, लॉग हो जाएगा। लॉग हमेशा ना लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको ना मॉडुलस में रखते हैं, बिकॉज लॉग की अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे, x के कोफिशियंट के, x का कोफिशियंट कितना है -3, यहाँ -3 रखोगे, ठीक है। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, यहाँ देखा मैंने, अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसको तो x की पावर n, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू -1, ये तो चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 3x - 2 -1/2 +1, कितना हो जाएगा बच्चों, +1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ए, वॉट इज ए इन दिस केस, ए इन दिस केस इज 3, साथ में क्या लिखोगे प्लस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा ln 2 - thrice of x upon 3 एंड दिस वुड बी व्हाट, ये 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 2 upon 3 एंड इसको आप चाहो तो अंडर रूट लिख लो, कितना 3x - 2, ठीक है। इस तरीके से आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। Let me know if there is any problem. So question number 7th and question number 9th. अब 7th में अगर 2x + 1 का होल स्क्वायर ऊपर होता तो इतनी टेंशन नहीं थी, है ना, ये नीचे है तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, सोचो जरा कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे। तुम्हें तो हमेशा एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में शायद सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वहां पे, कि हमेशा तुम्हें एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसकी इंटीग्रेशन तुम्हें आती है। अभी 2x upon 2x plus 1 यहाँ तो क्वेश्चन टूल एग्जिस्ट नहीं करता,
तो कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि हमें इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। तो अब नाउ दिस इज वेयर योर प्रैक्टिस कम्स इनटू, राइट। अब यहाँ पे 2x है और नीचे क्या दिख रहा है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं अगर यहाँ पे एक प्लस 1 कर दूं और एक माइनस 1 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? अलाउड है ना। अच्छा, ऐसा करके फायदा क्या होगा? ऐसा करके फायदा ये होगा कि ये 2x प्लस 1 बन गया और नीचे तो हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर था ही, और ये माइनस साइन के साथ ये मेरे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी चीज को अभी हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ दिस इज बेटर देन व्हाट इट वाज इनिशियली, राइट। तुम्हारे लिए थोड़ा और बेहतर करके लिख देता हूँ। ये कितना हो गया dx अपॉन 2x प्लस 1, और ये कितना हो गया, यू कैन राइट इट एज 2x plus 1 bar is what? Minus 2 with respect to dx. Now integrating this should not be a problem. What is this? This is log of, hamesha log ke saath modulus rakhna, right? Because of the simple reason that log of only positive numbers is defined. Okay? Divided by a. A kitna in this case? It is 2. Is case mein agar main baat karo to yahan pe kya aayega mere paas? Yahan pe it will be 2x plus 1 bar n प्लस वन, एन इज माइनस टू, माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन। तो माइनस वन अगर मैं करूं तो ये प्लस वन माइनस माइनस प्लस कर दूं, अपॉन ए, ए कितना है, टू प्लस सी। यानी फाइनल आंसर जो हमें इसका लिखना चाहिए था, ये क्या लिखना चाहिए था, ये हमें लिखना चाहिए था लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन मॉडुलस है ना, मॉडुलस ब्रैकेट में मॉडुलस, डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, 2x plus 1 plus. That's all. That is how we should have dealt with question number 7. I hope you get it. Okay, wonderful. अब क्या करें? ये question number 9 का कैसे deal करें भाई? ये तो थोड़ा trigonometry है. तो trigonometry तो तुम्हें पता ही है कितनी important है. अगर आती है तो trigonometrical questions बहुत easy हैं, और अगर trigonometry नहीं आती है तो trigonometrical questions difficult हो जाते हैं. So trigonometry की पूरी playlist आपके पास है. अगर सिर्फ एकाध video से काम चलाना है तो वैसा भी मैंने भेज रखा है. देखिए, और अगर नहीं मिला है तो आप पूछिए फिर से, मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल्स को सेम रखेंगे. यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो मैं कोशिश करूंगा सबको या तो x में ले आऊं या सबको 2x में ले आऊं, ठीक है. एंगल को हमेशा सेम रखोगे, ध्यान रखना. इंटीग्रेशन में ट्राई टू मेक दी एंगल्स इक्वल, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट. तो बहुत इजीली हम सभी लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x कितना होता है. 1 plus cos 2x कितना होता है, ये बात हम सब लोग जानते हैं. इट इज ट्वाइस ऑफ cos square x by 2. 2x का आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है. सो आप अगर देखें तो रूट टू को आप बाहर रख सकते थे यहाँ पे, और आपके पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, sin x into cos x, ठीक है. हालांकि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ cos square x जब बाहर आ रहा है तो मुझे कायदे से मॉडुलस ऑफ cos x लिखना चाहिए था. ध्यान से समझना इस बात को. और अगर x की इन्होंने कोई बाउंड्री दे रखी होती, that x is lying between 0 to pi, तो मैं 0 से pi by 2 तक इसको plus cos x लिखता, और pi by 2 से pi तक इसको minus cos x लिखता. बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे ऐसा ले सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. ध्यान रखना, cos square के बाहर अगर कभी भी अंडर रूट के बाहर आप कोई सा भी एक्सप्रेशन लेंगे, राइट, अंडर रूट ऑफ x square is always modulus, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इवन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. अगर तुम यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर लोगे तो प्लस नाइन होगा, प्लस नाइन का अंडर रूट कितना होगा, इट इज ओनली प्लस थ्री, ठीक है. सो रिमेंबर दैट. ओके, अब मेरे पास ये रूट टू है, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है. अब तो मुझे सिंपल फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करने का लगता है. क्यों? मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दूं और टू से डिवाइड कर दूं. क्यों भाई? क्योंकि मुझे याद आ रहा है. हैं, किसकी याद आ रही है? मुझे तो फॉर्मूले की याद आ रही है. 2 sin x cos x is what? It is sin 2x. And the work is done. Sin 2x dx. Sin x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? Sin x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? It is minus cos x. Right? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? Minus cos 2x. Minus cos 2x. Divided by root 2 and a. A कितना है? 2. तो कितना आएगा आपके पास नीचे? 2 root 2. 2 root 2. Tell me if it is clear. Quickly. जल्दी से बताओ. करते हैं जल्दी से. So when you look at question number 13, समझ में आता है cos 3x है, या तो ये expansion use करें, but इससे कुछ फायदा नहीं लग रहा, because at the end हमारे mind में क्या चलना चाहिए, we want to convert it into a form which is easily integrable,
ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा समझ में तो आया नहीं। अच्छा भाई कोई बात नहीं, तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं, ये वन प्लस कॉस टू थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा ये कितना होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थ्री एक्स बाई टू, राइट, इंटू डी एक्स। अब वन बाई टू तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो आपका वैसे ही है, और अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ रहा है, दिस इज सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स बाई टू। अच्छा ये शायद कुछ ठीक ठीक लग रहा हो आपको, है टैन एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता था, सेक्स स्क्वायर एक्स मिलता था, मतलब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टैन थ्री एक्स मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। सो वन बाई टू एज इट इज बना रहा, और ये मेरे पास टैन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है थ्री एक्स बाई टू। नॉट टू फॉरगेट विल बी डिवाइडिंग इट बाय ए विच इज थ्री बाई टू प्लस सी। तो आई थिंक दैट्स द इजिएस्ट वे टू डील विद दिस क्वेश्चन, एंड आई होप यू आर ओके विद दिस सॉल्यूशन। ठीक है, प्लस थ्री प्लस थ्री, किसी और तरीके से भी आप सोच सकते थे कि हाँ वन माइनस कॉस थ्री एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी सोच सकते थे, बट आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट, राइट। इससे ज्यादा आसान और कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रहा। ओके बताओ मुझे 15th क्वेश्चन को कैसे करा जाए, 15th क्वेश्चन। अब यहाँ कोई चेन रूल तो है नहीं जैसे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हुआ करती थी, यहाँ तो हमें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जहाँ हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो देखो मैं बताता हूँ, राइट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो सबसे पहले ना इसको ओपन कर डालते हैं, ए स्क्वायर इज वॉट ई रेस टू दी पार टू एक्स, बी स्क्वायर इज वॉट वन अपॉन ई रेस टू दी पार टू एक्स प्लस टू ए बी, सो ए बी विल गिव यू वॉट वन, तो यहाँ सिर्फ प्लस टू रह जाएगा। तो अच्छा ये तो बड़ा आसान निकला यार, है ना, दिस इज वेरी इजी। ये ई रेस टू दी पार टू एक्स हो गया आपके पास, और सेकेंड टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, ई की पार माइनस टू एक्स है, और थर्ड टर्म अगर आप देख रहे हैं तो ये तो टू डी एक्स है, कोई टेंशन ही नहीं, राइट। व्हाट इज द आंसर, ई रेस टू दी पार टू एक्स अपॉन ए, व्हाट इज ए, दिस प्लस ई रेस टू दी पार माइनस टू एक्स अपॉन ए, अब ए कितना है माइनस टू है ध्यान रखना, और लास्ट टर्म कितना है बच्चों टू एक्स प्लस सी। ठीक है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, दैट इज ऑल, राइट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, 17 को कैसे करोगे, हाउ कैन वी डील विद 17। अब ये तो अंडर रूट है, सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, एग्जैक्टली, कुछ नहीं करना, बस रैशनलाइज कर दो, काम खत्म है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो ऊपर नीचे ये x plus 3, नीचे a minus b का फॉर्म है, तो ऊपर a plus b का फॉर्म, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब नीचे भी मैं इसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, a square minus b square, what is a square, a square is x plus 3, under root is gone, minus b square, that is x minus x plus 2, ठीक है, this is gone। तो इससे आप x से फ्री हो गए, बचा आपके पास सिर्फ कितना 1, ये तो बड़ी अच्छी बात है, is all done again। इंटीग्रेट करना है x प्लस थ्री, कितना है x प्लस थ्री, x की पावर n का फॉर्म आ गया, कितना हो जाएगा, x प्लस थ्री रेस टू द पावर थ्री बाई टू, राइट, अपॉन थ्री बाई टू। सिमिलरली ये वाला पार्ट कितना देगा आपको, x प्लस टू रेस टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, ठीक है, प्लस थ्री कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। सो आप चाहें तो 2/3 ओवरऑल कॉमन ले लें, एंड यू कैन राइट इट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है अब तो। सो आई होप यू फाइंड इट इजी, राइट। पर ध्यान रखना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, डोंट लीव एनीथिंग, ठीक है, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एंड डोंट अज्यूम दैट एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। दोनों के बीच का एक हमें बैलेंस स्ट्राइक करना है कि यस हमें जो है चीजों को बढ़िया से करते हुए चलना है, ठीक है। डू वन थिंग, एक बार फिर से लॉग इन कर लो।